हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए जितने नहीं देखें आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने ठीक है तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स, पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीद है। हाँ, बिल्कुल ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है। दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है। पाकिस्तान तालिबान को लेना लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है। इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से। अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद आवर सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी, तैयार बैठे। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपने आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली इज फॉर अ प्रॉफिट। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। इंडिया इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व्स देखे 600 अरब डॉलर उनके पड़े हुए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, और हुजूर आपके पास 8 अरब डॉलर हैं। 11/2008 को मुंबई में वाकया पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जाने गई, ठीक है। लेकिन वहां से इंडिया वालों का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज्यादा पाकिस्तान की पाकिस्तान बात। पाकिस्तान में इस तरह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मस्जिद बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। हर चीज वो खुद करे, हमें इल्जाम दे। पिशावर पे अटैक हुआ, पिशावर पे अटैक पे भी हमें हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं, हमने तो किसी को। वो तो तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाकये में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो है वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर। वजह क्या है, ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते? उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना, हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200-300-400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए जितने नहीं देखें आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने ठीक है तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। अगर आपने बात की इस्लाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब के ऊपर कभी कोई इल्जाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्जाम लगता है मुसलमानों पे तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ज्यादा लगता है या अफगानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज ही क्यों इल्जाम की जद में आते हैं? पड़ोसी है, लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में एक FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी इंटरव्यू वगैरह दिया, यानी यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी बातें की। जी वो अजमल के साहब वाला शो हुआ सारा पूरा, आपके मीडिया पर्सन हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया जी ये इसी इलाके के, तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल के साहब पाकिस्तान से। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखें हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वहां से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हम साए एक दूसरे के